गालियां देगा जी, कौन बर्दाश्त करेगा बिना पता के गाली देगा। कंटीन मत, कंटीन थी और इतने इन पर अच्छे आदमी तो मिला को नहीं इतना। मैंने गालियां सुनी, मैंने पता, ठीक है नहीं, इसका बाप कितना अच्छा है, यहाँ कितने अच्छे आदमी पर नहीं रोप लगाए करते। हम भी 20 साल तक जाना है इसने। सारे प्रिंट रेट तो ऊपर बेचते हैं, सारे बेचते हैं, सब बेचते हैं सारे। चाह भी 15 की देवे, चाह भी 15 बनी है की 22 हफ्ता वीडियो है। मैं बाय कास्ट नाम ले लेना चाहता, जाट हूँ, ठीक है, जाट कॉपी का सप्ताह बेटा कच्चा हुआ है, लेकिन मैं फिर ये कॉपी का मैं है, फोन का मैं है, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूँ, कोई गलत नहीं बोलता, जड़े मर्जी जिसने मर्जी अदालत में केस कर ले, तेरा खुला ऑफर है, ठीक है। आज लग तो चार भाई है बीच में, तो तने बात कर रखी थी, आज तने खुली मीडिया में बात कर ली नहीं, तो भाई मीडिया में बात हो रही है तो मीडिया में ही बात होगी। चार भाई है ना और इकट्ठे कर ले, केस कर ले, तेरे लिखित रखे हैं, जो तेरे जमा है वो लिख रहे, अपनी जगह सही है, अपनी कॉपी दरी है, जो मर्जी काट दो। सीए ने ला लो, इतना मोटा हिसाब नहीं है, सीए का खर्चा मैं दूंगा। देता फोन पे कह रहे तेरी गांड में कीड़ा है फलाना है, गंदी गंदी गालियां भी काटता है मेरे को बिना मतलब। बंदे बना रखे देखते हो, चल आइए पत्रकार। तो फिलहाल भाई मैं कैथल के नए बस स्टैंड पर मौजूद हूँ। इस जगह तो मेरा द्वारा लगातार फोन आने लग रहे थे, क्योंकि जो भी यहाँ पे दुकान है जो तीनों का हेलो मित्रा इनते हमारे पीरियड से ज़्यादा कर बच्चा है। ये हमारे ठेकेदार ने कह रखा जी हमें भाई 15-20 का शुरू से बिक रहा है, इस बात का बेरा को नहीं, कानूनी जुर्म है एमआर पीरियड से ज़्यादा बेचना, हमें पता है इस चीज़ का, लेकिन ठेकेदार ने हमें कह रखा है। हमें अकेले नहीं हूँ, दुनिया का हर इंसान, हर व्यक्ति, हर मनुष्य इन वैरायटियों को प्रिंट रेट से ज़्यादा बिकवा रहे हैं, वो भी ठेकेदार। अच्छा, लेकिन हमारी इच्छा है कि हम ना बेचें, और इस चीज़ का मुझे आभास था, लेकिन मैंने कभी जाहिर नहीं होता, क्योंकि अकेला इंसान कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को पता था प्रिंट रेट से ऊपर मैं कभी ना तो बेचूंगा और ना मैं कभी बेचने की कोशिश करूंगा। युवा साथी खड़े थे पूछे मित्र एक बार नहीं बताया, इसके ऊपर जो प्रिंट रेट हुआ है उसका ज्यादा बेच का है मालिक ना, कौन बेच सकता भाई, कानूनी जुर्म है, हां जुर्म है, लेकिन इन भाई हैं जो इनका मालिक है भाई, कहने लग रहे हैं यू की स्टैंड पे सारे प्रिंट रेट तो ऊपर बेचते हैं, सारे बेचते हैं, सब बेचते हैं सारे दुकान। चाह भी 15 की देवे, चाह भी 15-20 की, अब चाह के ऊपर तो कोई एमआरपी नहीं है, लेकिन ये चिप्स ने बहुत महंगे महंगे जो पानी की बोतल हुआ है वो प्रिंट रेट है ज्यादा बेची जावे है ना, गलत बात है, सब बेचते हैं स्टैंड पे सारे प्रिंट रेट तो ऊपर बेचते हैं बिल्कुल। तो देखो भाई मेरे लोग बहुत से फोन आए थे इन्हीं बातें लेकर कि जो भी प्रिंट रेट हुआ है तो इनका जो मालिक हो ज्यादा बिकवा हुआ है, तो इनका मालिक तो बात करेंगे, आखिरकार 29 बात का डर को नहीं, किस पर सजा और जुर्माना दोनों उसका है, तो आ जाओ एक बार मालिक तमिल एक बार। तो फिलहाल मैं कैथल के नए बस स्टैंड पर मौजूद हूँ, और जो इस भाई का मेरे लोग फोन आए थे कि इसका मालिक इसका गला धक्का कराया तेरा गला, हाँ जी हाँ जी, ये धक्का करा है, कह रहे भी 5000 रुपये फालतू बेच रहे हैं चिप्स का पैकेट, इतना तो नहीं कहा भाई के नाम है, जो एमआरपी तो ऊपर बेचना एक कानूनी जुर्म भी है, और इसमें सजा व जुर्माना दोनों उसका है। मैंने तो शुरू से ही मना कर रहा मालिक को भाई 5000 रुपये फालतू न ले करो, और गाहक हमारे साथ बिल्कुल लड़ाई कर रहे हैं, लड़ाई कर, हाँ, और मैं 7-8 साल से यही समझा रहा हूँ मालिक को भी 5000 रुपये फालतू ना बिकवाया करो सामान, मालिक तोड़ दे रहा वो रहा सामने को जब एक बार। तो फिलहाल इसका मालिक तो बात करेंगे कि जिन पर एमआरपी रेट होता ज़्यादा क्यों बिकवा हुआ है, मेरे लोग बहुत से लोग जो स्टूडेंट है उनके ही फोन आए थे, और फिलहाल इस खुद भाई का मेरे लोग न्यू फोन आया कि भाई जो मेरा मालिक है मेरा गलत धक्का करा बिकवाने खातर, इसका मालिक तो बात करेंगे, आ जाओ एक बार, आ जाओ कौन सा है ये भाई, इस वाला वो भाई बैठा दिखो मेरे तो, कौन सा है अच्छा भाई, आप मालिक हो, आइए भाई सर, थोड़ा इस साइड आइए, थोड़ा मालिक हो दुकान के, नहीं भाई दूसरा ठेकेदार है, बुलाइए कहाँ पे, एक मिनट आ गया, अच्छा लेकिन बहुत बार शिकायत आ ले भाई हमारे पीरियड तो ऊपर सामान बेचने लग रहे हो था हम, नहीं भाई किसने कहा बोलो, खुद कहने लग रहे हैं, बहुत से जो रहा है कि सवारी आवा उनके मेरे लोग फोन आए हैं कि जो एमआरपी रेट हो तो ज़्यादा बेचने लग रहे, इसमें सजा व जुर्माना दोनों था ना, इस बात का बेरा को नहीं, कोई नहीं भाई एक मिनट बाद, तो देख लो भाई फिलहाल मैं इस दुकान पर मौजूद हूँ,
अच्छा और तेरा गल के ना इंसाफी होने लग रही है दुकान बस 25,000 बना रखा जी फ्री तीन साल हो गए पागल बना रखा जी बेवकूफ बना रखा मेरा ठेकेदार ने तो ले हो गए फिर जद जद बना रहे तो एक रुपया नहीं लिया जी इस बात का केस वो तो भाई तेरे नहीं लिया तीन साल हो गए जी कॉपी में एंट्री हो रही है जी देख लो अच्छा हाँ जी बेवकूफ बना रखा मैं डेगी कितनी दे मैं मेरी 300-400 रुपये डेली बनाए तनख्वाह कमीशन बनाए और मेरा बेवकूफ बना रखा तीन साल से ही पूरी तरह मालिक आने लग रहे उससे भी बात कर लेंगे एक बार फिलहाल तो देखो भाई जो इसका मालिक है वो पहुंचने लग रहा है उनसे पूछेंगे तो और भी भाई पूछेंगे इन पर एक खड़े हैं तो भाई था बताओ रहा कितना एम आर पी ज्यादा मिला भाई कौन सा भाई बताओ एमआरपी ज्यादा मिला भाई पता नहीं मैंने मेरा पता नहीं भाई मेरा भाई डर क्या रहे हो थोड़ा मिलन लग रहा कई भाई आगा है कैमरा दे दम डर जो मेरे यार लग जा अपना इस पर एमआरपी ज्यादा सामान भी का है ना जी है? ना जी देख लो भाई जिसके अपनी अपनी सलाह है इनकी हां भाई हां जी लग रहा है एमआरपी ज्यादा सामान भी का है ना जी कोई पता नहीं है देखो भाई सारे कैमरा देख कर डरा मेरा तो न्यू नहीं समझ मेरे और एमआरपी ज्यादा भी का है तो बता लग गया क्या एमआरपी ज्यादा सामान भी का है बिका है बढ़िया कर दे भाई एमआरपी ज्यादा हां अच्छा कितना का सामान था कितना में दिया था मिस्टिंग ली थी मैंने अच्छा 30 रुपए की दी थी और कितना की इसका रेट कितना है 20 ना बैर 20 की मिला है एमआरपी शायद 25 कुछ होगा अच्छा हां मतलब ज्यादा देवा एमआरपी था हां तो फिलहाल मैं देख लूं इसका मालिक आने लग रहा है तो बात करेंगे अच्छा मालिक हां जी अच्छा तो यू भाई का यू इल्जाम आपको पर और भी भाई बताने लग रहे कि एमआरपी तो ऊपर ज्यादा बेचने लग रहे हैं ना जी कौन सा एमआरपी से ज्यादा बेच रहे हैं बिकाने लग रहे हैं 15 का 20 पे बिकवाने लग रहे हैं कोई बात ऐसा नहीं है जी जो एमआरपी है इसको ऊपर बिल्कुल एमआरपी को ऊपर बिकने लग रहा है 30 रुपया एमआरपी इसको ऊपर 30 रुपया का इमाम बेच रहा है यू खुद कहने लग रहा है जो सवारी है उसने मैंने मेरा लग गया कि किसका जी 15 की और 20 में सामान बेचने लग रहे खुद कहने लग रहा है मेरी बात सुनो जी ऐसा कुछ नहीं है इसको ऊपर एमआरपी है आप कैमरा में देख सको एमआरपी के ऊपर ही बिकने लग रहा है ऐसा कुछ नहीं है ठीक है ये ठीक है पानी की बोतल का 20 रुपये का रेट है 20 रुपये में बिकने लग रही है ये भी प्रिंट रेट पे है ठीक है जी कोई 40 रुपये की फ्रूटी 40 रुपये में बिकने लग रही है लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी बात में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है कि किसी को सुनने में दिक्कत हो या इनको समझने में दिक्कत हो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कितने साल तक काम करा आपने मेरे पास बहुत साल से काम कर रहे थे अच्छा क्या करूँ आप आप खुद बताओ जो ये चिप्स का पैकेट है इसका ऑफर में एमआरपी तो ये 30 का एमआरपी बेच रहा हूँ लेकिन जो 15 वाला का अपना बता रहे की 15 का एमआरपी 15 वाला का शुरू से 20 का बेच रहे हम वो हो सकता है आप 15 रुपया एमआरपी हो लेकिन 20 वाला ही 20 में बिक रहा है 30 वाला ही 30 में बिक रहा है हो सकता है कि पीछे से मिस प्रिंटिंग आ रही हो अदरवाइज ऐसा कोई इल्जाम नहीं है जो एमआरपी पीछे लिखी लिखाई हुआ है जिसमें परिवहन का खर्चा भी होगा टैक्स सब कट का जी जो एमआरपी है उसी के ऊपर बिकने लग रहा है आप जब मर्जी आगे चेक कर सकते हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ मिस प्रिंटिंग हो सकती है आप कहीं पे भी कभी भी आके चेक कर सकते हो अगर कहीं गलती है तो हम आपके जिम्मेवार हैं आपके देनदार हैं तो आपने खुद पता है कि सजा हुआ है जुर्माना दोनों हम यहाँ आपकी सेवा के लिए बैठे हैं अगर यहाँ गलत करेंगे कौन हमें बैठने देगा आप एक बात कई बार फोन आया मेरा है जब इस करके मैं आया हूँ कहीं ना कहीं किसी से कोई गलत हो सकता है मैं मानता नहीं कि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है जी लेकिन हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं हम अपनी जिम्मेवारी लेते हैं कि हमारा माल जो प्रिंट रेट है हम उस पर प्रिंट रेट पे दे रहे हैं अदरवाइज कौन क्या दे रहा है जी हमें किसी से कोई मतलब नहीं मेरा लोग कई बार फोन आ रहे अरे किसने को मेरा ऊपर ज्यादा जो पीछे है मेरे वो बना रहे कि यू के मैटर है इसका रो है डेली वर्क का अपना बना रहे इनको 25,000 रुपये बना रहे अगर मैं छोड़ कर जाऊंगा तो मेरा 50,000 ही मांगा है एक बात बताओ जी अगर आपने पीछे ले रखे हैं तो वो पीछे देने पड़ेंगे अरे देने पड़ेंगे आके कौन देने पड़ते हैं रोए तो पेंडा छुट जाएगा फिर तो मैं भी रोने लग जाऊँ यो भाई भी रोने लग जाएगा कल यो रोने लग जाएगा ठीक है अगर जे पीछे ले रखे हैं तो वो देने पड़ेंगे भाई ठीक है किसे तो कोई मैंने तो कुछ भी नहीं लिया जी ठीक है तेरा कुछ नहीं ले रखा तेरा कुछ नहीं ले रखा मैंने ना तो ना मेरे तो कुछ ले रखा ना तो ना मेरे तो दे रखा तो मैंने तेरे तो केक लेना के देना है 25,000 के 50,000 कैसे मांग रहे हो ये कॉपी का मैं है फोन का मैं है ठीक है ठीक है ऑन रिकॉर्ड बोलने लग रहा हूँ कोई गलत नहीं बोलता जड़ा मर्जी जिसने मर्जी अदालत में केस कर ले तेरा खुला ऑफर है ठीक है आज लग तो चार भाई अगर बीच में तने बात कर रखी थी आज तने खुली मीडिया में बात कर ली नहीं तो भाई मीडिया में बात हो रही है तो मीडिया में ही बात होगी चार भाई ना और इकट्ठे कर ले केस कर ले तेरे लिखित रखे हैं जो तेरे जमा है वो लिख रखे हैं 2 साल से 4 साल से जितने भी काम कर रहा एक एक कलम एक एक पानी की बोतल एक एक चिप्स की बोतल और जिसने इतने मेरे पे पीछे ले रखे वो और जितने मैंने दे रखे हैं वो जे एक भी कमी समी हो तो मैं हर चीज के लिए जिम्मेवार हूँ इनका फोन आ गया मेरे पास क्यों छोड़ के चला गया मैंने कहा इतने तो पैसे हैं नहीं
25, पहले इन्होंने 20,000 बताए भी 20,000 है, फिर 22,000 रुपए। जब मैं वहाँ पर गया फिर कहते 25,000 रुपया ले हो गया था ना, मैंने तो 1 रुपया नहीं लिया। किस बात के जोड़ने को पता होगा, किस बात की चीज देने कितनी पढ़ रहा भाई तू, ग्रेजुएशन है पढ़े लिखा है ना है, क्या चीज है यार, एक मिनट कैमरा में दिखा दूं। ले भाई थोड़ा ले भाई कैमरा में देख ले, रिकॉर्ड है। अरे किस चीज के बना रहे हो तो बता दो किस चीज के। एक मिनट भाई एक मिनट, मैं कोई गलत थोड़ी बोल रहा, ये जमा में है, ये ले रखे हैं, ये ले रखे हैं, मैं हूँ थोड़ी लिखूंगा। एक बात बता, इसका मैं इसका नंबर है, यो नंबर पूछी किसका है, बोल का पूछ ले नंबर। अगर जे मैं इसको ऊपर एक मैसेज छोड़ूंगा वो इसके पास जाएगा, बिल्कुल जाएगा। जे मैं गलत छोड़ूंगा तो आज तक पहला कौन बोलिया यो, आज जब ये 25,000 रुपये कलम होगी, 23,000 रुपये जो कलम हो रही है तो आज क्यों बोलिया भाई, पुंडरी क्या था काम करने खातर। सुन कल तो मैं तेरे ऊपर इल्जाम ला दूंगा, तो इस पे पीछे लेकर आया है, तू इसकी तरफदारी करने लग रहा, मैंने लगा था इल्जाम। ना ना देख इसके मेरा इसके लगाना बहुत सोखी बात है, फिर इल्जाम का आप प्रूफ है नहीं, प्रूफ आप लो है। इल्जाम लगाना बहुत सोखी बात है भाई साहब, प्रूफ करना बहुत बड़ी बात है, मैं प्रूफ हूँ, मेरे पास प्रूफ है, आप जब मर्जी जाकर कॉपी चेक करो, मेरी फोन चेक करो, मेरी कॉपी रखी है वो चेक करो, ठीक है। ऐसा इल्जाम लगाने से कोई गुनाह नहीं होता, ठीक है, यो सो लगाओ आप लगाओ कोई दिक्कत नहीं। साहब ले रहे देखो, मैं इस भाई की सुन का है, आपका क्वेश्चन मार्क करने का हक है, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन मेरी बात सुनो, लेकिन हम अगर गलत है ना, हाँ, तो आप गलत ना गलत ठीक ना ठीक, गलत ना गलत ठीक ना ठीक, लेकिन हम अपनी जगह सही है, अपनी कॉपी दे रही है, जो मर्जी काट दो, सीए ने में ला लो, इतना मोटा हिसाब नहीं है, सीए का खर्चा मैं दूंगा, सही बात है, कॉपी में इधर ही काट लो खर्चा, और जो मैंने देनदार हो गए तो हाथ जोड़ के डबल दूंगा, और लेनदार हो गए तो जितने लेने हैं उतने लूंगा, बिल्कुल यूं नहीं कहना, पर 3 साल तक काम करो यार, मैं 300 की दिहाड़ी मने 150 देऊंगा मेरे भाई, फलानी बात ना ना छोड़ा है, मैं ले गया कहने फिर कोई बात को नहीं ना, मैं इसने तो मूर्खताई का काम कर रखा जो कर रहा है, मैं मूर्ख नहीं हूँ, ठीक है, मेरी बात सुन, मैं मूर्ख नहीं हूँ, मैं भी एजुकेटेड हूँ, और मैं इतना पागल नहीं हूँ कि मैं यूरा बैठा हूँ, यहाँ प्रशासन की हर वक्त नजर रहती है, एसपी डीएसपी जीएम एसएस टीएम सब बड़े अधिकारी यहाँ आते हैं, मौजूद रहते हैं, अगर जो इतना गलत होता नहीं तो सरकार मैंने आज तक पहले कदे कहा है ना, बैन कर देती, यहाँ बैठना तो दूर, मेरे को बस स्टैंड के अंदर बढ़ना भी मंजूर नहीं था, लेकिन यहाँ बैठे हूँ, रेपुटेटेड पर्सन हूँ, ऐसे इंसान के लिए मैं कोई जिम्मेवार नहीं हूँ, कल को मेरे ऊपर 2 ब्लेम और लगाएगा, मैंने ये लेने, अगर जब मैंने लेने हैं नहीं भाई, आपने लेने हैं देने हैं तो आंस कर देंगे। तू भाई झूठ क्यों बोल रहा है, जितनी सारे हिसाब लिख रखे है तेरा इसमें, जो सामान इनको जितना हिसाब है मेरे को आज चाहिए, जो सब जो मैंने ले रखा है, जो सब मैंने जमा कर रखे हैं, मेरे को आज तक इन्होंने दिखाया, पहले दिखाया कौन था, पहले बिल्कुल नहीं दिखाया, 3 साल जो मैसेज किस पर जाएगा भाई, तो आज तक पहले इसके लो मैसेज कौन जा रहे थे, इसके फोन में मैसेज कौन थे, कोई फ्रॉड तो नहीं है, नोटिफिकेशन जाएगा, कोई फ्रॉड है ना, ना उसके अंदर नोटिफिकेशन नंबर इसका है, डेट टाइमिंग है, सब कुछ पैसा है, रिफंड के भी है, बिल्कुल, और जमा के भी है, और सब कुछ है, बिल्कुल, तो मैं गलत कहा हूँ भाई, बिल्कुल, अगर मेरा तेरे पास नंबर आया क्या, मान ले मैंने तेरा नंबर लीक कर लिया कड़ी था, और खाता बुक पर बना लिया, तो नोटिफिकेशन तेरे पास जाएगी, वो तो जावे जावेगी, खाता बुक का काम ऊपर मेरी भी नोटिफिकेशन जाएगी, फलाना बंदा ने तेरे यह चीज के लिए नोटिफिकेशन भेजी है, अगर मैं तेरा कल ना 5 लाख रुपया मैसेज भेज दूँ तो मेरा ऊपर उल्टा नहीं बोलागा, बिल्कुल बोला, अगर नहीं देना, अगर जे 4 साल पाछा बोलागा तो के मतलब इसका के मतलब है, और वो भी दूसरी बात है, नू को नहीं, अब 4 साल पाछा 5 लाख रुपए दल बोला है, उस बीच में तेरी मेरी लेनदारी है, उस बीच में मेरे को गालियां भी देता फोन पे, कह रहा तेरी गांड में कीड़ा है, फलाना है, गंदी गंदी गालियां भी काटता है मेरे को बिना मतलब के, सबूत है तेरे पास, सबूत नहीं है, ये बिना मतलब के गालियां काटता है मेरे को, सबूत गला वो मेरा लगता भाई, इतनी देर हो गई, आदमी अगर गलत होगा, एक मिनट, मेरे मुंह से ऐसी कोई अभद्र भाषा निकली है, अगर दूसरी बात, यहाँ 5-7 साल से काम कर रहा हूँ, एक इससे अलग, देखो हर अंगली, फिर मैं कह रहा हूँ हर अंगली बराबर नहीं है, कोई ना कोई कमी किसी न किसी में होगी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, कमियां आप में भी है, कमियां इनमें भी है, कमियां ऊपर वाले में, ठीक है, अगर कहीं ना कहीं फिर भी
कमियां हैं और मैं फिर भी अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं, तो इससे ऊपर क्या सबूत दूंगा मैं? आपके निपटारा कर रहा है, ये तो आपका एलिगेशन लगाने लग रहा है भाई। एलिगेशन मेरे पास तो प्रूफ है, एलिगेशन कोई भी लगा सकता है, मैं आपके ऊपर लगा दूंगा कल ने। एलिगेशन तो आप मेरी बात सुनो, एलिगेशन तो मैं आपके ऊपर लगा दूंगा कल ने, जो भी मेरे ऊपर लगा देगा मैं इसको ताऊ को ऊपर ला दूंगा। ताऊ मेरे 500 रुपये देगा कौन गया? ताऊ क्यूकर मैन लेगा, क्यूकर मैन लेगा। कहना तो बड़ा सौखा भाई, प्रूफ करना बहुत औखा, लेकिन मैं प्रूफ ले रहा हूँ कि मैंने इस तरह लेना है और जो इसने देने हैं मेरे वो देने हैं, और जो उनसे इसने मेरे तक दे रखे हैं वो भी लिख रखे हैं। जो उनसे एक आइटम नू बता यार बनिया की 22 हफ्ता वीडियो है, मैं बाई कास्ट नाम ले लेना चाहता जाट हूँ, ठीक है, जाट कापी का सप्ताह बड़ा कच्चा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी कापी पक्की कर रखी है भाई, पक्की लिखित में है, एक एक कलम लिख रखी है इस भाई की छोट दी, इतने बाल काम करा मेरा जरा, मेरी दुकान कल लिया है पर लिहाड़ दूसरे ठेकेदार हैं, उन क्या करें ना पूछ ले, अगर जे मैं इस समय गलत होता नहीं कौन मेरी राम राम कौन मेरी पूछ करा है, कौन करा भाई? आज अगर मैं एक बालक निकम्मा हो जाए तो उसने कोई नहीं पूछता, करके भी नहीं पूछते ना बहरे के पूछते, जब मेरी मैं किमें इज्जत होगी, मेरे में किमें क्वालिटी होगी ना जब पूछे हैं। और दूसरी बात, इसके फोन करने पर मैं आया, जब मैं इतना गुनहगार होता भाई मैं फोन बंद करके बैठ जाता, तो मयूरा पत्रकार फिर जाता के करता मेरा बिना, एलिगेशन लगाना मैं तेरे ऊपर लगा दूँ, इसके ऊपर लगा दूँ, एलिगेशन बहुत सौखा है, एलिगेशन से काम नहीं बनता भाई, प्रूफ है, प्रूफ इसके अंदर है। आप ऑफ कैमरा देख लो, ऑन कैमरा देख लो, आप जब मर्जी देखना, ऑन कैमरा तो दिखाई दिया, दोबारा से फिर आपने जूम करके देखना तो जूम करके देख ले भाई, अगर जब मैं इतना पाप होता नहीं तो भाई ये इतना काम ना करता ना मैंने दूर, आगे तेरी मर्जी है, इसकी मर्जी है, जो कर इसका जी करता उन्हीं कर लेगा, पहले इसकी पसली मेरी। मैं चाहता हूँ मैं काम तो करूँ, लेकिन ये मेरे को इनकी गालियाँ सुननी पड़ती है बिना गंदे उसकी, इन्हें ये गालियाँ देते हैं पेट पीछे, मेरे को गालियाँ देते हैं गंदी गंदी बोल। तो मालिक बदल दे, मालिक बदलना पड़ेगा और क्या, फिर आज तक मेरे अंदर वाले ठेकेदार हैं, गालियाँ देगा जी कौन बर्दाश्त करेगा, बिना बदल के गाली देगा। कंटीन मत, कंटीन थी और इतने इन पर का अच्छे आदमी तो मिला कोई नहीं, इतना मैंने गाली सुनी, मैंने पता ठीक है नहीं, इसका बाप कितना अच्छा है, यहाँ कितने अच्छे आदमी पर नहीं रोप लगाए कर दे, हम भी 20 साल तक जाना इस ना गाली सुनी, मैंने पता है गाली तो इनका मत बोले को नहीं, इसका बाप ने दे इतना अच्छा आदमी है। मैं चाहता हूँ मेरा सलूशन करो, जो पैसे बना रखे हैं किससे आप इतनी देख, सारा अपना खाता बुक मैं सारी लिख रखी है। हाँ जी, तो तेरा लोग कैसे होते इस बात का? 25,000 बना रखे फ्री खंड गए। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो देख लो भाई, जो ओनर है इसकी अपना जो भी प्रूफ है वो दिखाया है, फिलहाल इनका जो भी निष्कर्ष लिखकर आया इनका पूछा भाई, तो न्यू बता चावे की है, मैं इनको लिखित में पैसे दे सकता हूँ जी। कब तक दे देगा? 8 महीने में उतार दूंगा इनके पैसे। कितने रुपए इनके टोटल कितने बनेंगे? 23,000 कुछ थे, लेकिन 23,000 रुपये में बात होगी, चलो जैसे भी है 23,000 रुपये मेरे देने हैं इन्होंने, जो यो कह रहा है कि भाई 100 रुपये डेली दे दूंगा मैं, तो मैं 23,000 तो ऊपर थे। हाँ ऊपर थे, चलो जो भी है, जो भाई ने बोलिया भाई 23,000 रुपये में फाइनल करो, मैंने फाइनल कर दिया, जैसे भी है कोई बात नहीं, अपना भाई है अपने साथ में, कोई गिला शिकवा है फिर भी आप इसके साथ खड़े हैं हर वक्त, ठीक है। हाँ जी, मुझे मंजूर है जी। 8 महीने में देगा? 8 महीने में रिकॉर्ड वीडियो है। हाँ जी, हाँ जी, 8 महीने में उतार दूंगा। अरे काम तोड़ कराएगा? काम देखो जी, अगर मैं यहाँ नहीं करूंगा जी, अब बदतमीजी करा हो करा, सारी बात क्लियर हो गई है कि यू भाई 8 महीने में इसके जो रुपये है जो देने 23,000 रुपये बताए हैं वो 8 महीने में उतार देगा, और यह जुबान ये देने लग रहे कैमरा। हाँ जी, हाँ जी, 100 रुपये रोड डेली दे दूंगा लिखित में, और ठीक है।